बाहर फटाफट, इसके अंदर टच वुड सन इज हियर। तो अभी बजने वाले हैं 12, कि अभी तक 12 नहीं बजे हैं। तो गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। एंड अभी हमने क्या किया है एक्चुअली, आजकल पता नहीं मौसम ही ऐसा या क्या है, इस मौसम ने हमारी ना मतलब हैबिट्स बिगाड़ दी हैं शायद। वैसे तो बहुत अच्छी हैबिट्स डली भी हैं, लेकिन कई बड़ी गंदी वाली हैबिट्स आ भी गई हैं, जैसे कि आई नेवर 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 मैं कभी लेट नहीं उठी। लेकिन अब ना आजकल सच में ना 8, 8:30 तो मतलब ऐसा बस बहुत नॉर्मल हो चुका है कि उससे पहले भी उठती हूँ जब चीनू ने जाना होता है। बट शायद वो एक नींद का वो जो टाइम है वो बीच में टूटता है, इसलिए फिर चीनू जाते हैं उस टाइम पे उठती हूँ। बहुत देर के लिए नहीं उठती, लेकिन एक थोड़ा सा गैप आ जाता है तो दोबारा से नींद आती है उसके बाद। पहले मैं ऐसा करती नहीं थी, लेकिन अब ना ऐसा ही हो रहा है बहुत टाइम से, क्योंकि बाहर अंधेरा होता है, बहुत ठंड होती है उस टाइम पे। चीनू ऑफिस निकल जाते हैं तो फिर मुझे लगता है मैं क्या करूँ उस टाइम पे। मैं करने के लिए तो बहुत सारे काम है, बट उस टाइम पे नींद आ रही होती है थोड़ी सी, कई बार आती कई बार नहीं भी आती। बट आज भी हम लेटे तो बस 8:15 आई थिंक 8:15 होने वाले होंगे जब तक वो हम उठें। और वैसे ही टाइम तो पता नहीं क्यों मेरी आदत बन गई, आजकल मैं बात यहाँ कर रही हूँ तो देख वहाँ रही होती हूँ। और वैसे ही ना क्या हुआ कि डुगू भी बहुत लेट उठा, डुगू तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ही लेट उठा है। मैं तो उठ के फिर और काम करने शुरू कर दिए, झाड़ू भी लगाना था घर में, और आज मैंने पोछा नहीं लगाया है, कल लगाया था पोछा, आज रहने दिया मैं, चलो यार एक दिन टचवुड थोड़ा ढंग से है घर तो चल पड़ेगा काम। और भी बहुत सारे काम चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि हमने आपको लास्ट व्लॉग में बता ही दिया है। तो बस आगने की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, इसलिए 2.5 आवर्स तो बिल्कुल वहीं जाते हैं। 2.5 आवर्स इसलिए बोल रही हूँ, वैसे तो 2 घंटे की क्लासेज हैं 9 to 11 की, बट इसलिए क्योंकि उससे पहले से रेडी होना पड़ता है और उसके काफ़ी बाद तक चीज़ें यहाँ वहाँ मतलब करनी पड़ती हैं। कई बार इसको मैं कुछ करवा रही होती तो मैं स्टॉप नहीं करती और करवाती रहती हूँ उस चीज़ को, इसलिए। और शाम के भी 2 घंटे तो हो जाते ही हैं, 2 घंटे दोबारा से, क्योंकि होमवर्क भी होता है तो शाम को भी बहुत टाइम निकलता है उस चीज़ में, इस उन्होंने खेलना भी है, बाकी और चीज़ें भी होती है। बट सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, सब कुछ बहुत अच्छे से हो रहा है। लेकिन एक चीज़ जो हमेशा से लेट होती आ रही है वो ये कि आगने भी अभी नहाने जाएगा और लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। तो बस ये वाला सिस्टम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी वाला, इससे आजकल बड़े इश्यूज हो रखे हैं हमारे, क्योंकि टाइमली काम नहीं हो पाते, जैसे कि कपड़े नहीं धुल पाते अगर लाइट नहीं है। तो वैसे ही गीज़र की भी इश्यूज आते हैं, तो अभी टचवुड पानी गर्म है तो मैं फटाफट पहले डुगू को नहला देती हूँ, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। लिख रही है, लेकिन स्नोफॉल इतनी ज़्यादा हुई है ना ऊपर कि उसका असर इतना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा ठंडा है ना बाहर, बहुत ठंडा है, जैसा निकला लग रहा है हम यहीं पर बर्फ़ पड़ गई है। क्या कर रहे हैं, इसने मुझे रूम से बाहर निकाला हुआ है और ही इज़ डूइंग इनसाइड रूम। सी सी सी, पता नहीं क्या मन में आया हुआ है इसके। ये देखो ये देखो ये देखो, आगने नहीं नहीं आगने चलो नहीं नहीं टाइम है। नो 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 नो, माननी पड़ेगी मामा की बात। अब बारिश जब तेज होती है ना, यहाँ पर देखो बालकनी का एरिया कितना ज्यादा है बाहर की तरफ, लेकिन फिर भी बारिश कहाँ तक आई हुई है, यहाँ तक सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा है। ये बच्चा खाना खाने के लिए मना कर रहा था और बड़ी मुश्किल से मैं इसको खिला रही हूँ, इसको सिर्फ और सिर्फ टोस्ट खाने हैं, सिर्फ टोस्ट। अब मैं इसको खिला रही हूँ दाल फुल्का, अच्छा है। हाँ, ये देखो चाहे जो मर्जी कर लो घर में ना, बेड तो ऐसे ही भरा रहेगा, बस हर वक्त ऐसे ही भरा रहेगा। ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, ये जो बच्चा है ना ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपनी मम्मा की। मम्मा ने इतनी बड़ी बाइट दे दी है ना खाने के लिए, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। इज इट टेस्टी आगने? यस। तो फिर टोस्ट टोस्ट क्यों करते रहते हो हर वक्त? मुझे टोस्ट खाना होता है, टोस्ट हेल्दी होता है। टोस्ट हेल्दी होता है, ओके। तो अटैक हो जाएगा। अच्छा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। अभी लाइट आती है, अभी लाइट जाती है, अभी लाइट आती है, अभी लाइट जाती है, पता नहीं हो क्या रहा है।
आजकल पता नहीं ऑटोमेटिकली सूट्स ज्यादा आ रहे हैं आंखों के सामने, नहीं तो मैं इतना सूट्स वगैरह पहनती नहीं हूँ। लेकिन चल अच्छा है, ये हैबिट्स भी अच्छी हैं, कई बार मन करता है तो पहन देने चाहिए। और एक चीज़ और, किचन है ना, पता नहीं कितनी बार साफ कर लो यार, पर दोबारा दोबारा किचन में जाना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही नहीं यार सब जाते हैं, बट क्या है ना कि वहां पर डुगुदम जो बारा बोल रहे, टोस्ट 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 खाना अच्छी बात है, पर ब्रेड खाना बार बार अच्छी बात नहीं है। इसके लिए टोस्ट बनेगा और मेरे लिए चाय बनेगी, और मैं भी, मेरे पास सब्जी है, मैं भी उसको ब्रेड के अंदर ही फिल करके सैंडविच टाइप बना के खा लेंगे। तब तो बेचारा अंदर जाने को नहीं होगा, तब तो तक इसकी टोस्ट की बारी आती है, कभी चपाती की बारी आती है। वैसे अच्छा है बट ब्रेड लेके मैं थोड़ी सी वो रहती हूँ, क्योंकि ब्रेड से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आज एक बहुत मैं जब काम कर रही थी ना, तो आज मैं एक बड़ी अच्छी चीज़ देख रही थी, आज मैं बायोग्राफी देखी। मैंने जो बायोग्राफी देखी वो थी लाल बहादुर शास्त्री जी की, मस्ट वॉच बायोग्राफी है। मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी पीछे से। वो अच्छा लगता है मुझे, बेसिकली बहुत अच्छा लगता है हिस्ट्री जानने में, और अच्छी हिस्ट्री जानने में। ऐसे नहीं यार मैंने घी लगाया ही नहीं है इसमें अभी तक, अच्छी हिस्ट्री अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ तो यही सीखने को मिलेगी कि चीज़ों के पीछे भागना बंद करो, है ना, आगे बढ़ो, लेकिन अच्छे अच्छी चीज़ों के साथ, ठीक है। और खुश रहना सीखो, हेल्प करना सीखो, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब गिविंग नेचर बहुत ज़्यादा सोच के भी ना, वैसे वाले अब कहाँ मिलेंगे ऐसे लीडर्स, अब बड़ा मुश्किल है, हमने कभी देखे ही नहीं। बट फिर भी मैंने अपने पापा से बहुत सुना है, मेरे पापा स्टोरीज सुनाते थे इन सब की, स्टोरीज मीन ऐसे नहीं कि रात को बैठे और स्टोरी सुनाना शुरू किया, लेकिन होता है ना कई लोग बातें बताते हैं तो पिछले, तो मेरे पापा लीडर्स के बारे में बहुत बताते थे। और अगर मैं भैया की बात भी करूँ तो उनकी भी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है। अगर मैं सबसे वीकेस्ट जनरल नॉलेज किसी की बोलूँ तो ऐसे नहीं, मेरी वीकेस्ट वीक नहीं है यार, पर कुछ टाइम बीच में जैसे होता ही है, हम शादियां करते हैं, फिर घर में आते हैं, फिर बच्चों में भूल जाते हैं, फैमिली में भूल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बाहर निकल जाती है। और सबसे पहली बात तो वो होती है जब आप टेंथ से आगे निकलते हो, टेंथ तक आपका बहुत अच्छी पकड़ रहती है हर चीज़ पे, टेंथ के आगे निकलते ही सब ने कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन, मैंने साइंस ज्वाइन की थी तो बस साइंस ही रह गई, सिर्फ साइंस ही रह गई, और उसके अलावा यहाँ वहाँ कुछ नहीं देखा। ब्रेड तो ठोस ठोस में ख़त्म हो चुकी है, और मैं लेती चाय के साथ रस फिर इस टाइम पर, और क्या है ना, 3 बज ही रहे हैं। मन तो मेरा बड़ा करा था कि मैं ना वो सब्जी वाला सैंडविच, मुझे बहुत अच्छा लगता है, डुबकी राइम ना मेरे मुंह पे चढ़ी हुई है। वो कैप भी अपनी पसंद की लगानी है, और बाहर पता है क्या, वो कोई काइट चला रहा है बच्चा, उसको देख देख के डुगू खुश हो रहा है। काइट कहाँ है यार, काइट कहाँ है, उड़ाई दी इस बच्चे ने काइट। डुगू यहाँ से कम एंट्री कर रहा है काइट के लिए, कि बहुत अच्छी है, कम से कम वो बच्चा चलाने की कोशिश तो कर रहा है, डुगू को तो वो आता ही नहीं है। छोटे होता था ना दिल्ली में होते थे तो जैसे बाकी सब काइट उड़ाने की कोशिश करते थे, तो हमें भी लगता था कि हम भी उड़ाएं, पर हमें कभी नहीं आई काइट उड़ानी। और मेरे भैया भी कोशिश करते थे, उनको भी नहीं आती थी मैं भी कोशिश करती थी, मुझे भी नहीं आती थी, और हमने बहुत जल्दी इस कोशिश में हार मान ली, किया ही नहीं। अच्छा अब देखते हैं यार शाम को क्या बनाना है। तो आज लगता है कि मैं इस पालक का उद्धार कर दूंगी, काफ़ी दिन हो गए इसको आए हुए, लेकिन ये ठीक ठाक ही है अभी तक, मुझे लग नहीं रहा था कि रहेगा। और धनिया भी जो कि सूखने लग गया है अब, तो हम इस धनिया को भी इसमें यूज़ कर लेंगे सारा। ठंड पूरी हाल से हो रही है, बाहर जाने बाहर खड़े भी नहीं हुआ जा रहा है, इतनी ठंड है मतलब हद से ज़्यादा, ना तो कोई रेस्ट किया ना कुछ किया, ना डुगू सोया, आज और दिन सो भी जाता है, आज बिल्कुल भी नहीं सोया। आज मुझे बोल रहा है, मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको सुलाती ही सुलाती हूँ, मेरा टारगेट होता है कि डुगू तो सोएगा ही सोएगा, पता नहीं क्यों मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है, अभी सो जाता है ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलती है बहुत ज़्यादा कि डुगू थोड़ा सो गया है। और वो शुरू की आदत है शायद कि हाँ बच्चा सो जाएगा तो थोड़ी देर ना आपका दिमाग भी रिलैक्स होता है, जबकि अब तो ये मतलब चाहे सोएगा फिर भी मैंने ऐसा कुछ तो करना नहीं होता, काम तो उसके साथ ही जाते हैं जो भी करने होते हैं। बट हाँ जब मैंने इसको बहुत कहा ना कि डुगू सो जा सो जा सो जा डुगू सो जा, तो इसने पता क्या किया है, बड़ा अजीब सा हो रहा है, इसने पता है क्या किया, ये बोलता मम्मा
मैं ना क्या हो रहा है यार ऐसे करते हैं। ये बॉक्स लेके घूम रहे हैं ये महाराज इनका ये और इनका बॉक्स अम्मा दादी अच्छा ठीक है हाँ कुछ बोल रही थी मैं। डुगू बोलता है मैं कोशिश तो कर रहा हूँ पर मुझे नींद नहीं आ रही मम्मा आप मुझे डांटोगे तो नहीं। मैंने बोला डुगू डांटा तो मैं बहुत चाहती हूँ लेकिन ये रीजन ही नहीं बन रहा मैं क्या करूँ जबरदस्ती उठाई ना अब उठने की आदत लेट डाल दी है ना इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। इधर आओ आपको पता है कल लोहड़ी है, है? कल लोहड़ी है लोहड़ी क्या होता है लोहड़ी जब वो फायर नहीं चलाते हैं बहुत सारी वो आपने देखा था लास्ट ईयर भी नीचे वो बहुत सारी फायर चलाई थी लकड़ियां रखी थी फिर है ना याद है कितनी हाँ। सारी थी ठंडू में बहुत ठंड थी लास्ट ईयर जब लोहड़ी थी इस बार भी ऐसी बात नहीं है बेटा वो तो चूल्हे में जो आग होती है आप उसकी बात कर रहे हो मैं उसकी बात नहीं कर रही। तो हैप्पी लोहड़ी टू एवरी वन आई होप आप सब इस फेस्टिवल को बहुत अच्छे से मनाएं और सब कुछ अच्छा अच्छा हो। डुगू को नहीं पता ज्यादा लोहड़ी के बारे में तो पिछले साल भी बहुत छोटा था ये मतलब इसे देखा इसको लगा मम्मा आग लगा दी मुझे याद है ये तो ये ना जो वॉशरूम में गीजर के गर्म पानी धुआं धुआं हो जाता ना उसको बोलते मम्मा पानी जल गया फिर अगर इसको रजाई में गर्मी लग जाए तो बोलते मम्मा आपने गर्म पानी से नहाया मैंने गर्म पानी से नहाया इसलिए हम जल गए इसलिए हमें गर्मी लग रही है। तो बस आप सबको हैप्पी लोहड़ी और हैप्पी लोहड़ी हाँ ठीक है। तो बस आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा प्लीज डू अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हांजी बाय बाय बाय।